ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक हैवान पति ने पत्नी की तकिए से दम घोटकर हत्या की, फिर मरे हुए कोबरा के दांत उसके हाथ में गड़ाए और यह शो करने की कोशिश की गई कि उसकी पत्नी की मौत सांप काटने से हुई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कनाड़िया थाना पुलिस ने पत्नी का तकिए से दम घोटने और उसे सांप से काटा बताकर हत्या करने का खुलासा किया है। 1 दिसंबर को संचार नगर में शिवानी पटेरिया पति अमितेश पटेरिया की सांप के काटने से मौत हो गई थी। सूचना मिली थी कि शिवानी का पति अमितेश और किरायेदार निखिल उसे MY अस्पताल लेकर आए थे। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पति और परिवार वाले यही कहते रहे कि सांप ने उसे काट लिया, लेकिन पोस्टमार्टम में यह सामने आया कि महिला की गला घोट कर हत्या की गई है और इसके बाद उसके हाथ में मरे हुए सांप के दांत गड़ाए गए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि शिवानी और उसके पति अमितेश में विवाद होता रहता था। हत्या के इस षडयंत्र में अमितेश, उसके पिता ओम प्रकाश पटेरिया और बहन ऋचा चतुर्वेदी शामिल थी। संचार नगर कॉलोनी स्थित जो मृतिका शिवानी है उसके PM कराया गया था। उसके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जो जहर काटने से उसकी मृत्यु बताई जा रही है, सांप के काटने से मृत्यु बताई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं पति का हाथ है। इसमें हम लोगों ने बारीकी से PM कराया और जांच और पड़ताल की गई। उसमें बात सामने आई कि शिवानी का पति अमितेश, उसकी ननद और ससुर ने मिलकर एक षड्यंत्र अंजाम दिया है। प्लानिंग के तहत आरोपी अलवर राजस्थान से 5,000 रुपये में ब्लैक जेट कोबरा खरीद कर लाया था। इसे 11 दिनों तक अलमारी में छिपाए रखा। इसके बाद 1 दिसंबर को अमितेश ने अपने बच्चों को उनके दादा ओम प्रकाश के साथ घूमने भेज दिया। तभी अमितेश ने शिवानी के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोट दिया और फिर सांप को मारकर उसके दांत शिवानी के हाथ में गाड़ दिए। इसके बाद अमितेश बाहर निकला और चिल्लाने लगा कि पत्नी को सांप ने काट लिया है। फिर शिवानी को लेकर उसका पति अमितेश और पड़ोसी MY अस्पताल पहुंचे और बताया कि सांप के काटने से मौत हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।